shit high. Like the shit up. Like the shit up. Yeah, I said I got this, I'm on it. Give me 5 years and I got what I wanted. I'ma go ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you love it. तो मेरे भाई लोग कैसे हुए आप सारे, आई होप कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। एंड आज की गेम प्ले वीडियो की शुरुआत यार मिलिट्री बेस से होती है। एंड आज के गेम प्ले में रैंडम बंदों के साथ खेल रहा होता हूँ। भाई कोचिंग की चलते ना भाई, कोई को गन मिला तो भाई प्लीज दे दे, ठीक है ना, तो भाई मार देंगे अपन। अरे भाई गन नाम की भी कोई चीज है यहाँ? नहीं। अच्छा भाई, अब यार मैं और मेरी स्क्वाड लूट कर रहे होते हैं। इतने में यार नंबर 2 के ऊपर स्प्रे आता है एक बंदे का, तो उसे किल करके नंबर 2 को बचाता हूँ। गन तो मिला, गन मिल गई, एमो नहीं मिली भाई। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अब यार मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ मेरे पीछे आने के लिए, एंड मैं सी बिल्डिंग्स की तरफ रश कर देता हूँ। बाहर से कुछ मिलता अच्छा रश खेल के 100 ना जाओ भाई। सामने घर दिख रहा है एक नंबर बंदा, अब इस वाली बिल्डिंग में यार पूरी की पूरी स्क्वाड होती है, जिन मतलब 3 बंदे होते हैं, एक बंदा तो फ्लेयर का वेट कर रहा होता है। पीछे देखो, पीछे। Watch out! भाई भाई एक नंबर 7 में रहना। अब यार इस टीम के मैंने 3 बंदों को तो किल कर दिया था, अभी बचा एक बंदा था जो कि फ्लेयर ड्रॉप लूट रहा होता है। भाई वहाँ बंदा है भाई, भाई एक नंबर। नहीं भाई भाई वहाँ पे एक बंदा है, एक नंबर, मत जाना भी। I need consumables. अरे भाई मेरे को एम करनी है, कौन मिल जाएगा? बोल वही तो ना मैं बोल रहा हूँ, रुको अलग। इसके बाद यार नंबर 3 का कॉल आता है कि सामने वाली बिल्डिंग में बंदे हैं, तो फिर मैं उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता हूँ यहाँ पे दोनों बंदों को किल करने के लिए। भाई आप ग्रोजा का एक्सटेंडेड में अगर हो तो दे देना। नहीं बचाना अगर पैर में खाना रे भाई, वो फोटो स्टेप होता है 3 नंबर। भाई अब यार इन दोनों को किल करने के बाद मैं एक बॉट को किल करता हूँ, एंड देन मिलिट्री से हम लोग निकल लेते हैं। अब यार मिलिट्री से निकलने के बाद हम पोचिंकी जाते हैं, बट पोचिंकी में जब हमें कोई नहीं मिलता तो हम अपार्टमेंट की साइड आते हैं। यहाँ पे यार पूरी की पूरी स्क्वाड होती है देखो, एंड एक बंदा घास में लेटा होता है कैंपर। Mark the location. भाई वेरी गुड भाई। अब यार बग्गी के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ होता है उसे तो मैं बग्गी से उतार देता हूँ, बट यार नीचे एक बंदा घास में लेटा हुआ होता है वो मुझे नॉक कर देता है। देखो फिर उसे मैं नॉक करता हूँ। अब यार नंबर 2 लेफ्ट से पुश कर रहा होता है तो मैं भी राइट से पुश कर देता हूँ उसे कवर देने के लिए। अब यार बचे हुए लास्ट बंदे को नंबर 2 फिनिश कर देता है एंड इसके बाद यार मेरे किल्स मुझे मिल जाते हैं। एंड फिलहाल के लिए हम लोग आ चुके थे इस ड्रॉप पे एंड ड्रॉप के आसपास तो बंदे थे ही। एंड यहाँ पे यार नंबर 2 की हैवी ड्राइविंग देख ही ली होगी आपने। अब यार हम लूट वगैरह करके निकलने ही वाले थे बट यार यहाँ पे बग्गी लेके 2 बंदे आ जाते हैं। तो देखो इन दोनों को फिनिश करते हैं। अब यार यहाँ पे मेरे टीममेट्स को एक यूएजेड स्पॉट हुई थी जहाँ पे कि 2 बंदे होते हैं एंड यहाँ पे यार मैं नॉक वाले बंदे को फिनिश करने के लिए स्प्रे देता हूँ, बट यार रियल वाला बंदा भी फिनिश हो जाता है क्योंकि यार वो वहीं पे लेटा हुआ था। अब यार यहाँ पे हमें लास्ट वाली स्क्वाड स्पॉट हो जाती है तो हम पुश कर देते हैं, बट यार मुझे एक ही किल मिलता है यहाँ पे जो कि मैंने ऑलरेडी ले लिया था। तो इसी के साथ यार हमें बढ़िया सा चिकन डिनर मिल चुका था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही यार। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय बाय। एंड यार अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ऑल पे रखना एंड अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना।